असलम ए डी स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स डी स्टूडेंट्स आज के इस नए टॉपिक वन पेपर प्रिपरेशन जी के फोर्टीन के साथ मैं हूं मोहम्मद नवास वडैच पॉलिटिकल साइंटिस्ट ए uh, डी स्टूडेंट्स आज के इस टॉपिक के अंदर जो है हमने आपके लिए जनरल नॉलेज पर मुश्तमिल जो है मुख्तलफ एम सी को शामिल किए गए हैं आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पोलिटिकल साइंस विद नवास वडैच डी स्टूडेंट्स आइए इस वीडियो का आप क्या तौर पर आगाज़ करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है द टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द एस सी ओ इस द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ द स्टेट हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर मिनिस्टर्स तो डी स्टूडेंट्स पहले तो ये जरा जान लीजिएगा कि वट इज़ द एस सी ओ एस सी ओ एस सी ओ स्टैंड फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन तो शंघई कोऑपरे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हमारा क्वेश्चन है द टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द एस सी ओ इज़ द काउंसल ऑफ द फर्स्ट ऑप्शन इज हेड्स ऑफ द स्टेट सेकेंड ऑप्शन इज़ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड थर्ड ऑप्शन इज फॉर मिनिस्टर्स द कुरेक्ट ऑप्शन इज हेड्स ऑफ द स्टेट्स द टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द शाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज़ द काउंसिल ऑफ़ हेड्स ऑफ द स्टेट्स तो जो शंगाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो सबसे बड़ा अला इजलास होता है वो कौन होता है जिसमें हेड्स ऑफ द स्टेट रियासतों के सरबराज हैं वो शामिल होते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर टू है द परमानेंट सेक्रेटेट ऑफ एस सी ओ इज़ बेस्ड इन बीजिंग मॉस्को टोक्यो डी स्टूडेंट्स आपने बताना ये है कि वेअरज द परमानेंट हैडक्वाटर ऑफ एस सीओ शंघाई कोपरेशन ऑर्गेनाइजेशन द करैक्ट आंसर इज बीजिंग बीजिंग विच इज़ आल्सो द कैपिटल सिटी ऑफ चाइना और चाइना बीजिंग uh, के अंदर जो है एस सी ओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका क्वार्टर जो है वो कैम्प किया गया है क्वेश्चन नंबर थ्री है पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज काउंसिल इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डी स्टूडेंट्स पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज कौंसल जिसकी एब्रीवेशन जो है ये आपको एब्रीवेशन में भी आ सकता है पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज काउंसल तो पी सी 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 पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज काउंसल इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर आफ पाकिस्तान प्रेजिडेंट आफ पाकिस्तान मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द करेक्ट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ पाकिस्तान तो पाकिस्तान के अंदर जो है जो पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज काउंसिल तश्ील दी गई है उसको उसका जो सरबरा है वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस हेड ऑफ़ द पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज काउंसिल द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पी सी 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 पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज काउंसिल वस्टैब्लिश अंडर द पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज एक्ट ऑफ नाइन टू थाउजेंड सेवनटीन टू थाउजेंड नाइनटीन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन द्रैक्ट आंसर इज़ टू थाउजेंड सेवनटीन पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज काउंसल वाज इस्टबलिश अंडर द पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज एक्ट ऑफ नाइन्टीन टू थाउजेंड सेवनटीन तो जो पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज काउंसल है वो जो पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज एक्ट है 2017 का जो है उसके मुताबिक जो है उसकी तश्कील जो है की गई है और उसका जो सरबराह होता है वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम करिमलन मीन्स फोर्ट्रस इन साइड ए सिटी म्यूजियम इन साइड द सिटी जू इन साइड ए सिटी तो आपने बताना ये है कि वट इज़ मीनिंग ऑफ क्रिमलन जो द वर्ल्ड क्रिमिलन जो है उसका क्या मतलब है द नेम क्रिमिलन मीन्स फोट्रस इन साइट ए सिटी म्यूजियम इन साइट सिटी जू इन साइड सिटी द करेक्ट आंसर इज फोट्रस इन साइड सिटी द नेम क्रिमिलन मीन्स फोट्रस इन साइट ए सिटी आइए देखते हैं कि विच इज द नेक्स्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज च कंट्री इज नाउन एज क्रीमिलन तो किस मुल्क को जो है क्रिमिनल कंट्री भी कहा जाता है या किस मुल्क के लिए ये टर्म जो है बहुत मशहूर है द रियन फेडरेशन पोलेंड जर्मनी द फर्स्ट ऑप्शन इज़ द कुरेक्ट ऑप्शन रशियन फेडरेशन इज नाउन एज क्रिमिलन तो रशिया जो है जो रशियन फेडरेशन है उसको क्रिमिनल रिया स्टेट का नाम भी जो है वो दिया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है केफ इज द कैपिटल एंड मोस्ट पॉपुलस सिटी ऑफ पोलैंड नॉर्वे यूक्राइन तो डी स्टूडेंट यू हैव टू टेल द आंसर केव केव इज द कैपिटल एंड मोस्ट पॉपुलस सिटी ऑफ पोलैंड सेकेंड ऑप्शन है नॉर्वे और थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन है यूक्राइन यूक्राइन द करेक्ट आंसर केफ इज़ द कैपिटल एंड मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ यूक्राइन तो आजकल आपको पता है कि यूक्राइन और रशिया के दरमियान जो है जंग का सिलसिला जारी है इसलिए यूक्राइन के बारे में जो है आपको पास ज्यादा से ज़्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन का होना भी बहुत ज़रूरी है हाउ मनी पैसिफिक आइसीलैंड नेशंस आर दे आर जो uh, पैसिफिक आइसलैंड नेशंस हैं उनकी तादाद कितनी है दोबारा क्वेश्चन सुनिएगा हाउ मैनी पैसिफिक आइसलैंड नेशंस आर दे आर फिफ्टीन इंडिपेंडेंट स्टेट्स अलेवन इंडिपेंडेंट स्टेट्स और नाइन इंडिपेंडेंट स्टेट्स द करेक्ट आंसर इज फिफ्टीन इंडिपेंडेंट स्टेट्स आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ अलिगरी ऑफ द केव थ्योरी ऑफ द अलीग्री ऑफ द केव वॉज प्रजेंटेड बाय द ग्रीक फिलसफर प्लेटो आपने बताना यह है फाउंडर ऑफ द थ्योरी ऑफ अलीग्री ऑफ द केव तो आपने अलीगरी ऑफ द केव का जो फाउंडर है किसने ये थ्योरी पेश की थी अलीग्री ऑफ द केव तो उसमें तीन ऑप्शन है द फर्स्ट ऑप्शन इज प्लेटो सेकंड ऑप्शन इज एयर स्टार्टर और थर्ड ऑप्शन है एयर सोक्रेटिस द करेक्ट ऑप्शन इज प्लेटो प्लेटो वॉज द पर्सन हु प्रिजेंटेड द थेरी ऑफ द अलिग्री ऑफ द केव तो आइए देखते हैं कि विच इज द नेक्स्ट क्वेश्चन डी स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉड इज डेड इज ए वाइडली कोटेड स्टेटमेंट बाय जर्मन फिलासफर फ्रेडरिक एंड हेगल कार्ल मार्क्स क्वेश्चन द्वारा सुनिएगा गॉड डेड इजे वाइडली कोटेड स्टेटमेंट मेट बाय जर्मन फिलासफर आपने बताना ये है कि ये जो स्टेटमेंट है गॉड इज डेड ये किस जर्मन फिलासफर से जो है वो मंसूब है उसमें तीन ऑप्शन दिए गए हैं फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेडरिक ने दूसरा ऑप्शन है हेगल और थर्ड ऑप्शन है कार्लमार्क्स तो फर्स्ट ऑप्शन इज कंसिडर्ड एज द करेक्ट ऑप्शन फ्रेडरिक नेशे जो है उसके ये स्टेटमेंट है डेट गॉड इज डेड गॉड इज डेड इज वाइटली कोटेड स्टेटमेंट मेड बाय द जर्मन फिलासफर फ्रेडरिक नेत आइए देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन द 17th जी ट्वेंटी समिट वॉज हेल्ड एट बाली इंडोनेशिया बीजिंग चाइना न्यू दिल्ली, इंडिया तो आपने बताना ये है कि जो जी ट्वेंटी है जी ट्वेंटी की जो सेवनटीन समिट कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पे जो है वो हाल ही में कंडक्ट हुई है 2022 के अंदर हुई है बाले बाली इंडोनेशिया बाली जो कि इंडोनेशिया का बहुत मशहूर शहर है और दूसरा ऑप्शन है बीजिंग चाइना में न्यू दिल्ली इंडिया में द करेक्ट आंसर इज़ बाली इंडोनेशिया द सेवनटीन्थ जी ट्वेंटी समिट वॉज हेल्ड एट बाली इंडोनेशिया तो सेवनटीन 17, जो सेवनटीन्थ जी एट समिट कॉन्फ्रेंस है वो दो हज़ार बाईस में ही जो है वो कंडक्ट हुई है आइए देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है ए विच कंट्रीज आर इन जी ट्वेंटी तो जो ग्रुप ऑफ ट्वेंटी है उसमें से कौन कौन से मुल्क शामिल हैं द मेम्बर्स ऑफ द जी ट्वेंटी आर अर्जेंटाइना ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील कनाडा, चाइना फ्रांस जर्मनी इंडिया इंडोनेशिया इटली जापान मेक्सिको रशिया सऊदी अरेबिया साउथ अफ्रीका साउथ कोरिया तर्की यूके एंड यूएसए. तो ये वो बीस कंट्रीज़ हैं जो के जी ट्वेंटी का हिस्सा हैं तो जी ट्वेंटी जो है जो ग्रुप ऑफ ट्वेंटी के नाम से भी जाना जाता है ये इसके जो बीस मुल्क हैं उनके नामों की फिर जो है वो आपने जान ली है और इसमें यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज भी जो हैं वो शामिल हैं और नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2022 हेल्ड इन एजिपशन सिटी कायरो आर शर्मल शेख तो डी स्टूडेंट्स आपने बताना ये है कि जो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2022 जो कंडक्ट हुई है वो इजिप्ट का यानी मिस्र का कौन सा शहर है जहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस जो है वो मनकद हुई है उसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं कैरो जो कारा है और दूसरा ऑप्शन है शर्मल शेख तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है शर्मल शेख यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2022 हेल्ड इन द एजिप्शियन सिटी ऑफ शर्मुल शेख तो ये शर्म शेख के अंदर जो है वो कंडक्ट हुई है और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऋषि सुनक इस सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ इंडिया, श्रीलंका नेपाल नानाफ स्टूडेंट आपने ता बताना ये है कि ऋषि सुनाक द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ तो फर्स्ट ऑप्शन है इंडिया ये भी गलत ऑप्शन है श्रीलंका uh, भी गलत ऑप्शन है नेपाल भी गलत ऑप्शन है और नन ऑफ दीस जो है वह ऑप्शन है ऋषि सुनाक जो है ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ यू के है तो ऋषि uh, सुनाक जो है ये किस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है बरतानिया का सीटिंग प्राइम मिनिस्टर इस वक्त जो है बरतानिया का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनाक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द फर्स्ट कंट्री फ्राम अफ्रीका टू क्वालिफाई फॉर ए सुपर वर्ल्ड कप वास अजिप्ट सूडान मोराको द करेक्ट आंसर इज अजिप्टी स्टूडेंट्स ये भी बात या रखेगा कि जो अजिप्ट है जो मिस्र है ये एक अफ्रीकन कंट्री है लेकिन आमतौर पर गलतफहमी पाई जाती है कि ये ए, अरब कंट्री है लेकिन ये जो है इसका तल्ल जो है वो अफ्रीका के साथ है ये बर बरम एशिया का हिस्सा नहीं है तो द फस्ट कंट्री फ्राम अफ्रीका टू क्वालिफाई फॉर सुकर वर्ल्ड कप वाज अजिप्ट आइए देखते हैं कि नेक्स्ट uh, क्वेश्चन कौन सा है द मोस्ट बाईसैकल फ्रेंडली सिटी इन द वर्ल्ड इज न्यूयॉर्क यॉर्क कोपन हैगन और सिडनी तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन है कोपन हैगन कोपन हैगन इज द मोस्ट बाईसैकल फ्रेंडली सिटी इन द वर्ल्ड तो दुनिया के अंदर जो है कोपन हैगन जो है उसको दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है साइकिलिंग के लिए जो है सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल है इसलिए उसको द मोस्ट बाईसाइकिल फ्रेंडली सिटी इन वर्ल्ड जो है वो कंसिडर किया जाता है तो आइए देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कोपन हैगन इस कैपिटल सिटी ऑफ नॉर्वे इटली डेनमार्क आपने बताना ये है कि कोपन हैगन जो है वो इन तीन मुल्कों में से किस मुल्क का कैपिटल सिटी है तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है डेनमार्क कोपन इज द कैपिटल सिटी ऑफ डेनमार्क तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तो आपने बताना ये है कि पाकिस्तान का सेकंड प्रेसिडेंट कौन था चौधरी मोहम्मद अली नंबर टू सिकंदर मिर्जा नंबर थ्री अयूब खान तो पाकिस्तान का जो सेकंड प्रेसिडेंट है वो कौन है द करेक्ट आंसर इज़ अयूब खान पाकिस्तान का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था वो सिकंदर मिर्ज़ा था जो कि मार्च 23, थ्री नाइनटीन फिफ्टी सिक्स को जो है पाकिस्तान का फर्स्ट प्रेसिडेंट बना था और जो सिकंदर मिर्जा है उसका जो प्रेसिडेंशियल इरा है वो जाकर ख़त्म होता है अक्टूबर 27, 1958. तो 23 मार्च 1956 से लेकर अक्टूबर सताईस उन्नीस तक जो है सिकंदर मिर्जा प्रेसिडेंट रहे और उसके बाद जो है अयूब खान जो है वो पाकिस्तान के दूसरे प्रेसिडेंट बन गए थे तो इस तरह जो है पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट हैं उन्नीस का जो आइन है हमारा जो उसके मुताबिक जो हेड ऑफ़ द स्टेट है उसके लिए प्रेसिडेंट का डेजिग्नेशन रखा गया था और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट के लिए वज़र अजम को रखा गया था लेकिन ये भी याद रखेगा कि जब पाकिस्तान जो है उन्नीस में कैम हुआ तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसके मुताबिक जो हेड ऑफ़ द स्टेट था वो गवर्नर जनरल था तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे वे कैद अजम मोहम्मद जिनाब बने पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल ख्वाजा नाजमुद्दीन पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल जो जे हैं वो मल गलामाम मोहम्मद थे और पाकिस्तान के चौथे गवर्नर जनरल जो जे हैं वो सिकंदर मिर्ज़ा थे लेकिन जब तेईस मार्च उन्नीस सौ छप्पन को पाकिस्तान को एक जमहूरिया करार दिया गया और पाकिस्तान का पहला आइन नाफज हो गया तो सिकंदर मिर्जा जो हैं जो कि पाकिस्तान के चौथे गवर्नर जनरल थे वो पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट बनने में कामयाब हुए और फिर सत्ताईस अक्टूबर उन्नीस को जो है जब उन्होंने उनसे रिसाइन ले लिया गया सिकंदर मिर्जा से तो उसके बाद अयूब खान जो हैं वो पाकिस्तान के दूसरे प्रेसिडेंट जो थे वो वो बन गए आइए देखते हैं और हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है द बूट द बूट इस दिक ऑफ विच यूरोपियन कंट्री तो एक यूरोपियन कंट्री ऐसा है कि जिसका जो निक नेम है वो है बूट कहा जाता है कि उसका जो मैप अगर आप देखते हैं मैप के ऊपर अगर उस मुल्क का नक्शा देखते हैं तो वो उसकी शक्ल जो है उसके लोकेशन की शक्ल जो है वो बूट से मिलती है यानी एक शूज से मिलती है इसलिए उसका निक नेम जो है वो बूट रखा गया है द बूट इज़ द निक नेम ऑफ विच यूरोपियन कंट्री द फर्स्ट ऑप्शन इज़ जर्मनी सेकेंड ऑप्शन इज़ फ्रांस एंड थर्ड ऑप्शन इज़ इटली इटली इज़ दुरैक्ट ऑप्शन इटली जो है उसको बूट ऑफ द यूरोप भी कहा जाता है और ये भी याद रखिएगा कि इटली के जो शूज़ हैं वो दुनिया भर के अंदर जो है वो अपनी पायदारी की वजह से फैशन की वजह से जो, जो है बड़ी मकबूलियत रखते हैं तो इटली जो है उसको बूट इंडस्ट्री के हवाले से भी बड़ी मकबूलियत हासिल है और उसको वैसे भी जो है ए, बूट ऑफ उसका निक नेम जो है वो बूट है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उटावा इज द कैपिटल सिटी ऑफ यूक्राइन कैनेडा ब्राजील और करेक्ट आंसर है कैनेडा उटावा इज द कैपिटल सिटी ऑफ कैनेडा और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है द चेस ओलम्पिक टू थाउजेंड सिक्स ट्वेंटी विल बी होस्टेड बाय रशियन फेडरेशन उज्बेकिस्तान और चाइना तीन ऑप्शन दिए गए हैं द चेस ओलंपिक 2026 जो चेस की 2026 की जो ओलंपिक गेम्स हो रही हैं दे विल बी होस्टेड बाय रशियन फेडरेशन उजबेस्तान और चाइना द करेक्ट आंसर इज उजबिस्तान द चेस ओलंपिक 2026 विल बी होस्टेड बाय उजबिस्तान तो आइए देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है द शराइन ऑफ हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गन शक्कर इज़ लोकेटेड इन सियालकोट, पाकपतन और लाहौर तीन ऑप्शन दिए गए हैं आपने बताना ये है द शराइन ऑफ बाबा फरीदुद्दीन मसूद गन शक्र इज़ लोकेटेड इन सियालकोट, पाकपतन, लाहौर द करेक्ट आंसर इज़ पाकपतन तो बबा फरीदुलद्दीन गन शक्कर हैं उनका जो मज़ार है वो पाक पतन में वाक़ है और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस मिथ ऑ ऑफ इंडिपेंडेंस एक किताब का नाम है द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस इस द फेमस वर्क ऑफ एयूब खान जेड ए भुटो और परवेज़ मुशरफ द करेक्ट आंसर इज़ ए भुटो द मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस इज़ द फेमस वर्क ऑफ जुल्फकार अली भुटो हु वस्ता प्राइम मिनिस्टर आफ पाकिस्तान तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हु वस्ता फाउंडर ऑफ़ फ्रेजी मूमेंट इन एटीन हंड्रेड आपने बताना ये है कि दो 1802 के अंदर जो है जो फ्रेजी मूवमेंट जो है वो लॉन्च की गई थी उसका फाउंडर कौन था हाजी शरीयतुल्ला सर सैद अहमद ख़ान द करेक्ट आंसर इज़ हाजी शरीयुल्लह हाँ जी शरीयतुल्ला वॉज द फाउंडर ऑफ़ फ्रेजी मूवमेंट इन 1802 जीरो टू आ ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ आजाद कश्मीर इज़ मुजफ्फराबाद मीरपुर और बाग तो तीन ऑप्शन हैं मुजफ्फराबाद मीरपुर और बाग ये तीन ऑप्शन हैं आपने बताना ये है कि इन तीन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन दुस्त दुस है और आजाद कश्मीर जो है उसका कैपिटल सिटी कौन सा है आज़ाद कश्मीर से मराद यह है वो कश्मीर है जो पाकिस्तान के जेर इंतज़ाम है और मकबूसा कश्मीर से मराद वो कश्मीर है जिसके ऊपर इंडिया ने जो है ताकत के ज़ोर पर ज़बरदस्ती जो है वो कब्ज़ा किया हुआ है तो आइए देखते हैं कि विच इज़ द करेक्ट आंसर इज़ इस कैपिटल सिटी ऑफ आज़ाद कश्मीर और देखते हैं कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिना आफ़ पाकिस्तान ये भी एक किताब का नाम है जिना आफ़ पाकिस्तान वास रिटर्न बाय स्टैनले वालपर्ट आयशा जिलाल के के अजीज़ आपने बताना ये है कि हु इज़ द रटर ऑफ़ द फेमस बुक जिना ऑफ़ पाकिस्तान जिनाह पाकिस्तान का राइटर कौन है और उसमें तीन ऑप्शन हैं स्टैनले वालपर्ट आयशा जलाल और के के अजीज़ द करेक्ट आंसर इज़ स्टैनले वालपर्ट स्टैनले वालपर्ट इज़ द राइटर ऑफ़ द बुक जिना आफ़ पाकिस्तान और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है आज जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि शायर का नाम बताइएगा और बाजार से ले आएंगे अगर टूट गया जाम जम से तो मेरा जाम सिफाल अच्छा है और बाजार से ले आएंगे अगर टूट गया जाम जम से तो मेरा जाम सिफाल अच्छा है तो आपने बताना ये है कि ये ख़ूबसूरत शेर जो है किस अजीम शायर का है आइए देखते हैं इसका जवाब क्या है मिर्जा गालिब तो ये खूबसूरत शेर मिर्जा गालिब का है और बाजार से ले आएंगे अगर टूट गया जाम जम से जाम सिफाल अच्छा है तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है ये स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन का सिलसिला खत्म हो गया लेकिन मैंने मिर्जा गालिब के दो चार अशार और सब शामिल किए हैं हुए मर के हम जो रसवा हुए क्यों नागर के दरिया हुए मर के हम जो हुए मर के हम जो रसुआ हुए क्यों ना घर के दरिया न जनाजा कहीं उठता न जनाजा न कभी जनाजा उठता न कहीं मजार होता हुए मर के हम जो रसवा हुए क्यों ना घर के दरिया न कभी जनाजा उठता न कहीं मजार होता और नेक्स्ट क्वेश्चन है रात दिन गर्दश में है सात आसमां रात दिन गर्दश में है सात आसमां हो के रहेगा कुछ तो ना कुछ घबराएँ क्या रात तो दिन गर्दिश में हैं सात आसमां हो के रहेगा कुछ ना कुछ घबराएँ क्या और आईना देख अपना mm. समूह लेके रह गए आईना तो देख अपना समूह लेकर रह गए साहिब को तो दिल न तो देने पे कितना गुरूर था और दोबारा समाप्त कीजिएगा आईना देख अपना समूह लेके रह गए साहिब को दिल न देने पे कितना गुरूर था गैर फिरता है लिए यूँ तेरे खत को के अगर गैर फिरता है लिए यूँ तेरे खत को के अगर कोई पूछे कि ये क्या है तो छुपाए ना बने गैर फिरता है लिए यूँ तेरे खत को के अगर कोई पूछे कि ये क्या है तो छुपाए ना बने तो डी स्टूडेंट यहाँ पर इस वीडियो का अख्ताम होता है थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल और आप देख रखे थे हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वडेज पॉलिटिकल साइंटिस्ट और आज का जो एपिसोड था वो है ए, जी के फोटीन वन पेपर प्रेपरेशन तो वन पेपर प्रिपरेशन के लिए हमने एक, एक सिलसिला शुरू कर कर रखा है जिसमें हम गाय बगाए जो है कमोबेश बेश पच्चीस तीस क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछते हैं और इस तरह जो है ये सिलसिला जो है काफ़ी आगे निकल रखा है और एपिसोड फोटीन तक जो तो है ये पहुँच चुका है और ये सिलसिला इनशाला हम जारी रखेंगे और उम्मीद है आपको ये हमारी मुख्तार पसंद नहीं होगी अगर इसमें कोई गलती कई हुई है तो आप लाजमी तौर पर इसकी निशानदेही कीजिएगा और अपना फीडबैक इसके ऊपर जोर दीजिएगा क्योंकि तो आपका फ़ीडबैक जो है वहीं हमें हौसला देता है कि हमने आगे आपके लिए क्या काम करना है कितना काम करना है इजाज़त दीजिएगा अल्लाह हाफिज़ वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल